अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टू सिथ स्टेशन। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े का बीफ बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको अगर आपने बना लिया ना तो आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको कीमा चाहिए है 80% मीट 20% फैट, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ। ऑयल चाहिए है इस तरीके का, अगर पैटी का आपका मोल्ड है तो सही है, वरना कोई बात नहीं, हाथ से बना लीजिएगा। और कुछ बटर पेपर है, ये मेरे हस्बैंड बना रहे थे तो वो बहुत ही तरीके तमीज़ से बनाते हैं, वरना अगर मैं बना रही होती तो मैं इतने तरीके तमीज़ से नहीं बनाती। एक साइड पर मेरी पैटी बन रही होती और दूसरे साइड पर मैं उसको आराम से ग्रिल पैन में रख रही होती। तो ये शशके अगर आपको चाहिए हैं तो आप कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। अगर नहीं चाहिए है तो मेरी तरह फॉलो करिए। अगर आपके पास वक्त है तो एक इंच की पैटी बनाएं, अगर आपके पास वक्त नहीं है तो हाफ इंच की पैटी बना के इस तरीके से, और आपने उसको ग्रिल पैन के ऊपर रख देना है। लेकिन मैं आपको अपनी हस्बैंड की परफेक्शन दिखाना चाहती हूँ। आप देखें कितने प्यारे तरीके से वो ये पैटीज़ बना रहे हैं। स्पेशली वो ये टूल लेकर आए कि मेरी पैटी जो है वो हर तरफ से इवन हो और इवनली कुक हो, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बर्गर जिसने भी खाया है वो ये कहते हैं बिल्कुल बाजार का बर्गर लगता है और बहुत ही मज़े का बर्गर लगता है। यूजुअली हम क्या करते हैं कि पैटी के अंदर अदरक लहसुन और पता नहीं क्या क्या सॉसेस डाल के बना रहे होते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर सॉल्ट पेपर डाल सकते हैं, पहले से ही कीमे के अंदर आप डाल सकते हैं, और आपकी अपनी प्रेफरेंस है। मैं हमेशा कहती हूँ कि रेसिपी आपको मैंने दे दी है, अगर आपका दिल नहीं मानता इस तरह से बनाने का तो कोई मसले की बात नहीं है। आप कुछ और भी इसमें चीज़ें डालना चाहते हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू यूज़। लेकिन इसका जो टेस्ट आता है ना वो बिल्कुल इंटरनेशनल बर्गर चेन्स जो होती हैं बिल्कुल उसकी तरीके का टेस्ट आता है। तो आपने पैटी देख ली कि किस तरह से बनाना है। मेरे हस्बैंड ऑयल लगा रहे हैं अपने हाथ में, उसके बाद एक बॉल सी ले ले रहे हैं, उसको फिर अच्छी सी पैटी की शेप में दे रहे हैं और उसको फिर आपने ग्रिल पैन में ग्रिल कर लेना है। वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊँगी। अब आ जाते हैं बहुत ही मज़े की और बहुत ही सिंपल बर्गर सॉस के ऊपर। तो केचप या हॉट सॉस आप ले सकते हैं, मेयोनीज़, मस्टर्ड, सॉल्ट और क्रश ब्लैक पेपर आपने इसमें डालना है। अगर आप चाहें तो इसमें आप हनी भी डाल सकते हैं और ये बहुत ही मज़े का आपके बर्गर सॉस रेडी हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक और चीज़ जो बर्गर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है वो है कैरामलाइज्ड अनियंस, जिसके लिए आपको थिक स्लाइस करने हैं अनियंस के। उसके ऊपर आपने डालना है सॉल्ट, क्रश ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सोया सॉस और शुगर। इसको अच्छे से आपने सॉटे करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाए, अच्छा सा सॉफ्ट सॉफ्ट से हो जाए तो फिर आपने इसको उतार लेना है, इसको बंद कर देना है। तो जी ये शक्ल होनी चाहिए है आपके कैरामलाइज्ड अनियन की। अब आ जाते हैं हमारे बीफ पैटी के ऊपर। ग्रिल पैन हमने गरम कर लिया था, उसके ऊपर आप या ऑयल या बटर डालेंगे और आपने उसको रख देना है ग्रिल पैन के ऊपर। मेरे हस्बैंड ने कीमे के अंदर नहीं डाला था सॉल्ट पेपर, वो हमेशा ऊपर से सीजन करते हैं, सॉल्ट डालते हैं और क्रश ब्लैक पेपर डालते हैं। अब आप इसको पॉज करके देख लीजिए कि आपको अगर वेल्डन पैटी चाहिए है या थोड़ी सी रॉ चाहिए है या किस तरीके की आपको पैटी चाहिए, तो उस पर आपको कितना टाइम देना है। ईच साइड हमने ईच साइड इसको दिया था एटलीस्ट 7 to 8 minutes, क्योंकि हमें वेल्डन पैटीज़ चाहिए थी। अब मेरे हस्बैंड उस वक्त तक इसको फ्लिप नहीं करते जब तक एक साइड से बहुत प्यारा सा ब्राउन कलर ना आ जाए। अब फ्लिपिंग की बारी है तो ये कर दिया हमने फ़्लिप। ठीक है जी, इतना प्यारा सा कलर आ चुका है इसके ऊपर। फिर हम दोबारा से इसको सीजन करेंगे सॉल्ट और क्रश्ड ब्लैक पेपर के साथ। इसी तरीके से आप बना के देखें, आपको मज़ा आ जाएगा। बारी आ गई है यहाँ पे चीज़ डालने की, तो हम यहाँ पे इसको टॉप कर देंगे चीज़ से। मेरे हस्बैंड एक ही चीज़ डाल रहे थे, मैंने कहा नहीं यार थोड़ा सा और इसको प्यारा प्यारा सा बनाएं, एक और चीज़ डालें, डबल चीज़ बर्गर बनाएं। और ये बहुत ही प्यारी सी हमारी चेडर चीज़ की स्लाइसेस आ गए इसके ऊपर। एक और चीज़ जो आपने करनी है इसको डालने के बाद वो ये है कि आपने इसको किसी भी चीज़ से कवर करना है। जब आप कवर करेंगे तो बहुत अच्छी सी स्टीम बनेगी अंदर और बहुत ही प्यारे तरीके से आपकी चीज़ मेल्ट होगी, जो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। वाला ज़बरदस्त किस्म की चीज़ आपके पूरे बर्गर के ऊपर इवनली स्प्रेड हो गई है, ये देखिए जी। पैटी जब बिल्कुल रेडी होने वाली होती है तो आप अपने बंस को टोस्ट कर लीजिए, इसमें बटर लगा लीजिए तो और मज़ा आएगा आपको। असेंबलिंग की बारी आ चुकी है, नाइसली टोस्टेड बंस, उसके ऊपर अब जाएगा मज़े मज़े का जो सॉस हमने बर्गर का बनाया था वो अच्छे से इवनली स्प्रेड कर दीजिए। मैं अपने हस्बैंड को बार बार बोले जा रही थी कि प्लीज़ अच्छे से प्रेजेंट करेगा, अच्छे से करेगा, तो बेचारे बहुत ही तरीके से तमीज़ से काम कर रहे हैं।
अच्छा यूजुअली जाता है इसमें लेटस, लेकिन हमने लेटस नहीं डाला था, हमने ये दूसरी किस्म की सैलड डाली थी। आप इसमें लेटस डालिएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद ये बहुत ही प्यारा सा पैटी जो हमने रेडी किया था वो डाल दिया है इसके ऊपर हमने। अब हम डालेंगे हमारी मज़ेदार कैरमलाइज्ड अनियंस। आप चाहें तो इसको किसी भी चीज़ के साथ टॉप कर सकते हैं, आप हैलोपीनियोज डाल सकते हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं। फिर प्यारे प्यारे से आगे टोमेटो स्लाइसेस, और ये हो गया है हमारा प्यारा सा बर्गर रेडी। अनफॉर्चुनेटली हमें बंस अच्छे नहीं मिले थे, अगर आपको ज़बरदस्त बंस मिल जाते हैं तो ये आपके बर्गर को बहुत मज़े की टेस्ट देने वाला है। साइड में हमने बना लिए थे फ्राइज़ इसके साथ, और अब आपको हम दिखाएंगे फाइनल लुक इसकी। लग रहा है ना बहुत ही मज़े का, बाहर का कोई ज़बरदस्त रेस्टोरेंट का बर्गर ये मैंने आपको बहुत ही मज़े की रेसिपी दी है, बिल्कुल इसी तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसका टेस्ट इतने मज़े का आता है आप वाकई में सोचेंगे कि आप मैकडॉनल्ड्स का या कहीं बाहर का बहुत ज़बरदस्त चेन का बर्गर खा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन फेसबुक। अल्लाह हाफिज़।